कॉम्प्लेक्स नंबर पहुंच दीजिए, प्योरली इमेजिनरी कहलाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कहलाता है यदि इसका रियल पार्ट जीरो हो। सुन लो, यदि इसका रियल पार्ट जीरो हो। उदाहरण नोट कर लीजिए, हो गया। अब आते हैं एक और टाइप है, क्या कोई कुछ बोले उधर? दूसरी बात हो गई, उधर नोट में अंत में दिखाया जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग जो टाइप कर रहे हैं उसके अंदर उदाहरण पड़ता है, तो अंत में जीरो हम नोट पे लिखाएंगे। चौथा नंबर देखिए, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी का आप समझिए रहे हैं, नंबर मैंने समझ गया, काल्पनिक। इसको भी पहले उदाहरण से समझते हैं। अब यहां मान लेते हैं जेड बराबर 3+7 आए होगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट कितना है? 7 है। आयोटा का गुणांक कहलाता है क्या? और यह 7 तो जीरो नहीं है, तो इसको लिख देते हैं कि यह जीरो के बराबर नहीं है। एक और उदाहरण देखिए, जेड बराबर 0+8 आयोटा। इसमें इमेजिनरी पार्ट कितना है? 8 है, और यह भी जीरो नहीं है क्या? इस तरह लिखने का अर्थ हुआ कि हम बता रहे हैं कि इमेजिनरी पार्ट यह है जीरो, और इसी तरह हम लोगों का परिभाषा बनेगा कि वन कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं हो वो कहलाता है। यानी कि यह इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, यह इमेजिनरी नंबर नहीं है। क्यों? इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? हालांकि यह कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर का अर्थ क्या हुआ? तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका कौन पार्ट जीरो नहीं हो, इमेजिनरी पार्ट जीरो। बोलिए, समझ में आया? यानी कि रियल